तो काफी टाइम से मैं इस जगह पर नहीं आई थी। बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि लेक का लेवल काफी ऊपर आ चुका है। तो देखिए बच्चे चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट है जी। और इसका सवा साल है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, नैनीताल से एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है संडे का दिन और आज डेट है 23 जुलाई। तो अभी आज फिलहाल का जो मौसम है वो नैनीताल में बहुत ही शांत सा है। वैसे भी आपने देखा कल किस तरह का यहाँ पे माहौल रहा था, तो लेकिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो सब चीजें हो गई थी। कोई बबाल, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो काफी नैनीताल की जनता को लोग सलाम कर रहे हैं इस बात के लिए कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये सब कुछ चीजें हो गई थी। तो फिलहाल अगर हम नैनीताल के मौसम की बात करें तो मौसम भी आज बहुत शांत बना हुआ है। बारिश नहीं हुई है फिलहाल, रात को बारिश हुई थी, अभी सुबह से बिल्कुल बारिश नहीं है। मौसम बिल्कुल मिला जुला सा है, गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, बहुत अच्छा सा मौसम है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसा कैसा हो रहा है नैनीताल में, और आप साथ में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आ गई हूँ नीचे, अभी 1:30 बजा है और आज मुझे जाना है तल्लीताल, जिसके लिए बाइक भी नहीं मिल रही है फिलहाल अभी। तो बाइक में जाने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बाइक्स की भी चेकिंग चल रही है। यहाँ पे 2 तरह की बाइक्स चलती हैं। तो एक बाइक्स ऐसी हैं 2017 तक की जो कि नैनीताल के अंदर अलाउड हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसी हैं जिनका TB नंबर है और वो सिर्फ बाहर के लिए हैं, वो यहाँ के लिए अलाउड नहीं है। तो आजकल उन पर चेकिंग चल रही है। तो जो TB नंबर की बाइक्स हैं उसको पकड़ रहे हैं, और RTO ऑफिसर जो है वो बैठा है वहाँ पर मॉल रोड पे। इस वजह से बाइक वाले जो हैं, टैक्सी बाइक वाले, वो जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं तल्लीताल। तो अभी मुझे जल्दी पहुंचना था लेकिन कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा जल्दी पहुंचने वाला। तो चलिए फ़िलहाल मैं देखती हूँ, रिक्शा अगर मिलता है तो रिक्शे में जाती हूँ। तो चलिए फिर आप लोग भी साथ में बने रहिए और देखते हैं व्यूज़ कैसे हैं और टूरिज़म कैसा हो रहा है। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टूरिज़म नहीं है, हल्का फुल्का टूरिज़म यहाँ पर देखने को मिल रहा है बस। तो मैंने ले लिया है रिक्शा और चलते हैं आज रिक्शे की सवारी से। तो देखिए तल्लीताल में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। अभी मल्लीताल वाला एरिया फिर भी शांत हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। तो मल्लीताल में तो आज सुनसानी सी छाई है, फिलहाल इधर चहल पहल देखने को मिल रही है। तो चलते चलते वीडियो बना रही हूँ, शायद हिल भी रहा होगा। तो चलिए मैं जिस काम से आई हूँ पहले उसको निपटाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। यह है शानदार नज़ारा नैनीताल लेक का। तो नैनीताल एंटर होते ही आपको सबसे पहले इसी व्यू के दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ TRC तल्लीताल में, यहाँ से भी व्यू दिखाती हूँ आपको, बड़ा सुंदर है। तो यहाँ पे चल रही है रन टू लिव की मीटिंग, जो कि मैराथन होती है नैनीताल, मानसून मैराथन। तो देखिए बड़ी खूबसूरत यहाँ पे 2 स्कल्पचर्स बना रखे हैं और सामने व्यू इतना सुंदर। तो ये पूरा गार्डन एरिया है। तो व्यू देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से नैनीताल का, और इस साइड से जो कोहरा आ रहा है ये देखिए। काफ़ी टाइम से मैं इस जगह पर नहीं आई थी तल्लीताल से। नैनीताल का नज़ारा ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ये देखिए लेक का लेवल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो देखिए सामने मैं आपको लेक का लेवल दिखाती हूँ। तो इस स्केल से लेक का लेवल पता चलता है, और जब ये पूरा 12 फिट पार कर जाता है तब यहाँ पे जो डार्ट हैं, यानी कि जो क्लोज़ किए गए हैं भी, वो खोल दिए जाते हैं और फिर पानी छोड़ा जाता है नीचे की तरफ।
तो मेरा जो काम था वो ख़त्म हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ मल्लीताल की तरफ। तो पैदल पैदल आज मैं घूमते हुए जाने वाली हूँ मॉल रोड पे, तो काफ़ी टाइम से क्योंकि गई नहीं हूँ। और ये देखिए सामने आप देख सकते हैं लोग लेक ब्रिज, तो इसका जो टैक्स पड़ता है वो 110 रुपये पड़ता है। जो बाहर की गाड़ियाँ अगर नैनीताल में एंटर होती हैं तो आप जितनी बार नैनीताल में एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे 110 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ एक ही बार का होता है। आप अगर नैनीताल से बाहर जा रहे हैं और बार बार आप नैनीताल में एंटर करते हैं इस जगह से, तो जितनी बार एंटर करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। ये यहाँ का प्रवेश शुल्क है। तो जो लेक ब्रिज टोल जहाँ पे पड़ता है उसके सामने एक जगह है, ये देखिए दर्शन घर पार्क। तो इस जगह का नाम दर्शन घर है क्योंकि यहाँ से मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। सामने नैना देवी माँ का मंदिर है, पाषाण देवी का मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो यहाँ से सब दर्शन करते हैं और शाम को आरती भी करते हैं यहाँ वाले लोग, तो इसलिए इस जगह का नाम दर्शन घर रखा गया है। तो फिलहाल ये देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि लेक का लेवल काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो देख सकते हैं आप जो यहाँ पे पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी वो ढक चुकी है और बड़ा ही अच्छा सा लेवल ऊपर आ गया है। तो चलिए आज हम भी चलते हैं कैनेडी रोड से। तो इस रोड को कैनेडी रोड कहा जाता है, ये बिल्कुल लेक के किनारे पे है और आप यहाँ पे बहुत बढ़िया वॉक कर सकते हैं। आप दिन के किसी भी टाइम यहाँ पे वॉक करिए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा क्योंकि बिल्कुल लेक के किनारे है ये रोड और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए घने पेड़ों के बीच में से वॉक करना बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को और काफ़ी शांति भी रहती है, बस बाहर का शोर अगर ना आए। देखिए नैनीताल की जनता हमारी ऐसे चुपचाप से लोग पेड़ लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को बताते भी नहीं हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी ये बात मुझे लगी कि बिल्कुल चुपचाप से पेड़ लग रहे हैं और कोई शोर शराबा नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है जैसा कि यहाँ पे अक्सर लोग करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं और सारी मीडिया लेके चलते हैं। तो ये तो बाय चांस मुझे मिल गए यहाँ पे। तो ये हमारी सभासद हैं यहाँ की और ये हैं उनकी सिस्टर जो कि टीचर भी रह चुकी हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को देख के यहाँ पे मुझे चुपचाप से पेड़ लगा रहे हो क्योंकि क्योंकि पेड़ जरूर लगाएं। हाँ पेड़ ज़रूर लगाएं और मुझे लगता है कि आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हो, चुपचाप से जो शांति से लग रहा है ना बिना मीडिया के, बाय चांस मिल गए लेकिन आप। तो सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो है ठंडी सड़क में और मंदिर है पाषाण देवी का। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो यहाँ पे पत्थर की आकृति में देवी खुद अवतरित हुई थी और यहाँ पे उनकी पूजा की गई है, पूजा की जाती थी और अभी भी की जाती है। अभी थोड़ा सा क्या है कि पत्थरों पे थोड़ा आकृति सी बना दी है, आँखें और नाक वगैरह, लेकिन जो एक्चुअल में था यहाँ पे मंदिर उसमें वाकई में एक पत्थर था, एक चट्टान थी जिसमें देवी की आकृति उभरी थी और फिर उसकी पूजा करते थे। तो पूजा पाठ अभी भी यहाँ पे बरकरार है और माना जाता है कि नैनीताल का बहुत ही पुराना और सबसे पुराना मंदिर है ये। तो यहाँ पे जब लोग पहले दर्शन के लिए आते थे तो इस तरह की मान्यता है कि अपने जूते चप्पल सब उतार के तब नैनीताल में एंटर होते थे क्योंकि नैनीताल की ये जो झील है इसको बहुत ही पवित्र झील माना गया है और इसका नाम जो है वो त्रि ऋषि सरोवर भी कहा गया है। तो त्रि ऋषि सरोवर इसीलिए इसका नाम है क्योंकि तीन जो ऋषि थे उन्होंने इसको बनाया था आप कह सकते हैं, क्योंकि वो पानी को खोज रहे थे, पानी उन्हें यहाँ पे नहीं मिला, तो कैलाश मानसरोवर से जो वो जल लेकर आए थे उन्होंने एक गड्ढे में वो जल डाला था जिससे कि इस झील की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। और दूसरी एक कथा ये है कि माँ के यहाँ पे नयन गिरे थे, यानी कि सती के जब टुकड़े हुए थे, जब जगह जगह गिरे थे तो यहाँ पे माँ की आँख, एक आँख गिरी थी, एक आँख हिमाचल में और एक यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे नैना देवी मंदिर भी है। और इस जो लेक की शेप है वो भी माना जाता है कि नयन जो सरोवर है ये नयन सरोवर हमारा, क्योंकि इसका नाम पहले नैनीताल ही था, अभी तो नैनीताल हो गया है, नैनी मतलब नयन, उससे रिलेटेड था। तो ये कुछ पुरानी यहाँ की मान्यताएँ हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं अभी।
तो देखिए मेरे मल्लीताल पहुंचने तक मौसम में परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पे धूप आ चुकी है, तो पहाड़ों का मौसम और ख़ास तौर पे मुझे लगता है नैनीताल का मौसम पल पल बदलता है, बिल्कुल चेंज होता रहता है। सामने देख सकते हैं आप लेक पे लहरें बड़ी खूबसूरत सी। धूप आते ही सब कुछ खिला खिला सा हो गया है, मौसम भी और आसपास का माहौल भी। लेकिन सामने आप देख सकते हैं कोहरा लगा हुआ है ऊंची पहाड़ियों पे, तो वहाँ पे तो ऐसा लग रहा होगा कि शायद बारिश आने वाली है। लेकिन नीचे देखिए आप, सामने फ्लावर्स भी बड़े ही खूबसूरत से हो रहे हैं। तो अच्छी खासी शांत मॉल रोड से मैं आई हूँ और यहाँ पे तो इतनी भीड़ लग रही है मुझे आज। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था लैंडो लीग चल रही है, तो इसका इस बार 100वां साल है, यानी कि सेंचुरी ईयर, 100th ईयर। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है मैच देखने वालों की, आप सामने से वो भी देख सकते हैं, लोग मस्जिद के आगे भी काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं संख्या में। ये देखिए तो मैच के अलावा भी बाहर भी प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना रिच कल्चर है गेम्स को लेके। और उसी के साथ आप देख सकते हैं सामने वॉल पे भी बच्चे क्लाइंब करने पहुँचे हुए हैं, तो चलिए वहाँ भी जाती हूँ मैं, थोड़ा सा वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्लाइंब कर रहे हैं अभी और सीख रहे हैं वैसे क्लाइंब करना। तो ये देखिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं यहाँ से, तो देखिए बच्चे चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और 15 मीटर इसकी हाइट है, तो काफ़ी ऊंचा है ये। और ये देखिए तैयारी यहाँ पे चल रही है, तो ये देखिए हिम्मती बच्चा काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है और बड़ा अच्छा क्लाइंब कर रहा है ये। ये देखिए सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इसमें चढ़ना पड़ता है, तो इस पे चढ़ने के लिए आपको फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस बच्चे को देख के, देखे काफ़ी ऊपर ये पहुंच चुका है। तो ये इसका बेस है और यहाँ पे ये पहुंच चुका है। ओ ओ सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर सुनील वैद्य जी, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अभी, तो रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये देखिए स्पाइडरमैन, तो देखिए दोनों तरफ बच्चे चढ़े हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के। देखिए कोशिश में लगे हैं बच्चे काफ़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अमित शाह जी भी आए हैं मैच देखने के लिए, तो अगर इनको फुर्सत मिलेगी तो इनसे पूछते हैं मैच के बारे में। तो चलिए इनसे जानते हैं मैच के बारे में थोड़ा सा, जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि देखिए ये जो है ये है लैंडो लीग फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका 100वां साल है ये, तो आप समझ सकते हैं कि 1923 से ये अभी तक लगातार टूर्नामेंट चल रहा है। हाँ। और ये जो है नैनीताल की लोकल टीम होती है और काफ़ी कई सारी, तो बहुत सारी पुरानी टीम है, कई नई टीम कुछ नई टीम है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। इस जमाने में जब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, उस जमाने में भी लोग जो है फुटबॉल मैच देख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी जी, बड़ी खुशी की बात है नैनीताल के लिए कि लोग अभी भी जो खेलों से जुड़े हैं, पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे। हाँ, काफी मैंने अभी दिखाया था कि बच्चे उधर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है अच्छी है, अच्छी, अच्छा लगता है देख के जो बच्चे ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो बच्चे जो है नशे में चले गए जा रहे हैं धीरे धीरे, ये खेल जो है उन्हें नशे से दूर रखेगा। चलिए थैंक यू सो मच। साइड भी देखे यहाँ पे भी भाभी भी आई है मैच देखने, ऐसी बात नहीं है। तो इधर देखिए यहाँ पे भी बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं कोच के साथ, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला टाइम मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि नैनीताल में जो शाम होती है सुबह शाम, यहाँ पे बड़ा अच्छा कल्चर है स्पोर्ट्स का, खास तौर पे शाम को, क्योंकि बच्चे स्कूल से फ्री होके यहाँ पे आ जाते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मैच यहाँ पे चल रहा है बच्चों का और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं मैच। तो चलिए हम भी मैच इन्जॉय कर देते हैं और फिर मैं यहाँ पर वीडियो भी एंड कर लेती हूँ अपना।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड आज का। और आज का दिन बड़ा ही मेरा स्पोर्ट्स से भरा भरा है, क्योंकि आज सुबह मेरी एक मीटिंग थी, वो थी कहीं ट्रैवल के बारे में, तो वो जल्दी मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद एक मीटिंग थी, वो रन टू लिव की थी, जहाँ पे मैराथन होता है। फिर उसके बाद ये देखिए स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो वॉल क्लाइंबिंग चल रही है और साथ में फुटबॉल। तो आज का पूरा दिन जो रहा वो बड़ा स्पोर्टी सा रहा है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने का रहा है, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को एंड, और फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।